जैसा कि तुम जानते हो, वन पीस मूवी रेड का टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुका है वन पीस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मुझे जहां तक लगता है तुम में से 90% लोगों ने देखा ही नहीं होगा। खैर, देखा नहीं देखा कोई बात नहीं, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। जैसा कि तुमने थंबनेल और टाइटल देखा है, मैं उस बारे में भी बात करूंगा कि आखिर ये मूवी इंडिया में रिलीज होगी या नहीं होगी, मैं प्रेडिक्शन लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि इस वीडियो में 4 पॉइंट्स होने वाले हैं, उन 4 पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा। सबसे पहले पॉइंट में मैं बताऊंगा इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर प्लस प्रोड्यूसर के बारे में। सेकंड में इस मूवी के ट्रेलर और रिलीज डेट के बारे में बताऊंगा। साथ ही थर्ड पॉइंट में मैं बात करूंगा ये मूवी किस तरह की हो सकती है। एंड फाइनली फोर्थ पॉइंट में मैं बात करूंगा आखिर ये मूवी इंडिया में रिलीज होगी या नहीं होगी। तो चलो यार, सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था, खुद ओडा सेंसेई ने एक पोस्ट के द्वारा लिखा था कि इस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर होने वाला है कुरोइवा त्सुतोमु। अगर मैं इनका नाम सही से नहीं ले रहा हूँ, माफ कर देना, लिख दिया, खुद पढ़ लो। अब देखो, यहाँ पर राइटर और स्क्रिप्ट राइटर में कंफ्यूज मत होना, राइटर ओडा ही रहेंगे। इस मूवी के स्क्रिप्टिंग का काम कुरोइवा त्सुतोमु ही करेंगे। डायरेक्टर होने वाला है गोरो सानीगुची। अगर तुम इनका नाम पहली बार सुन रहे हो, मुझे जहां तक लगता है पहली बार ही सुन रहे होगे, तो मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने इससे पहले कोड गियास जैसे मास्टरपीस को डायरेक्ट किया है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मूवी के ट्रेलर और रिलीज डेट के बारे में, जो कि होने वाली 6 अगस्त 2022 को। और इसका जो ट्रेलर आया था वो आया था संडे सुबह को। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये ट्रेलर देखने के बाद जितना कंफ्यूज हुआ हूँ ना, इससे पहले किसी और मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद कभी नहीं हुआ था। सबसे पहले तो मुझे कोई ये बताओ, ये साला डी के ऊपर स्कार क्यों है? और सैंक्स जिस तरह से उस ट्रेलर में से निकलता है एंड में, क्या ये फोर साइड में ब्लैक बियर्ड बस इस सैंक्स की? जैसे कि मैंने पहले बोला, ट्रेलर को देख के मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, बट अब साला काम ही है ये, तो क्या कर सकते हैं, ब्रेकडाउन तो करना पड़ेगा, वरना करेगा कौन। खैर, मैंने जब इस मूवी के ट्रेलर को बार बार देखा, लगभग 15 से 20 बार, तो मुझे पता चला कि ये मूवी दो जगह की हो सकती है। पहले एक तो ये लोग पास्ट दिखा सकते हैं, वरना ये लोग फ्यूचर दिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं पास्ट की बात करूंगा। अगर इस मूवी में हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, तो बहुतों का मानना है कि इसमें रॉक्स डी ज़ेबेक देखने को मिल सकता है। तुम्हें वो थ्योरी तो याद ही होगा, सैंक्स रॉक्स डी ज़ेबेक का बेटा है। अब वो कितना सच है वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि ओडा ज़ेबेक को इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रॉक्स डी ज़ेबेक का अलग ही रुतबा है। अगर यहाँ पे रॉक्स डी ज़ेबेक दिखता, तो फिर ये मूवी कब का सैंक्स से हटके ज़ेबेक के पास चल जाती, या फिर रॉक्स पायरेट के पास चल जाती, हमें पता ही नहीं चलता। नहीं समझ में आया ना, मैं तुमको समझाता हूँ। इस मूवी का टाइटल क्या, वन पीस मूवी रेड। भाई ये मूवी हटके ना ओडा सबसे तगड़ा नाम देता वन पीस मूवी रॉक, क्योंकि यार तुम अच्छे से जानते हो, अगर रॉक्स दिख गया भाई और ज्यादा बवाल मचने वाला है। अगर यहाँ पे हमें रॉक्स डी ज़ेबेक की स्टोरी दिखाई जाती है ना, तो साइंस तो उस वक्त यार छोटा बच्चा था, शायद वो 1 साल का ही था, उस वक्त क्या कर लेता। हमें सैंक्स को एक्शन में देखना है, और इस मूवी में जिस तरह से सैंक्स को दिखाया गया, वो शायद मेन कैरेक्टर होने वाला है, ट्रेलर के हिसाब से चले या फिर टीजर के हिसाब से चले। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें सैंक्स की बैक स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी, मुझे लगता है छोटे मोटे पास्ट की स्टोरी दिखाई जाएगी, पर पूरी तरह से ओडा ये रिवील नहीं करेंगे। मेरे भाई, क्या तुम लोगों ने एक और चीज गौर किया, वो फीमेल कैरेक्टर वो हेडफोन लगाई हुई थी, प्लस उसके पास फेदर थे स्काइपिया वाले, वो फोटो देख के पता चल रहा है। तो यहाँ पर हमें एक और चीज का अंदाजा मिल जाता है कि हो सकता है कि वो फीमेल कैरेक्टर स्काइपिया से हो। ऊपर से जब इस ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है, तो वहां पर हमें म्यूजिक के सिंबल्स देखने को मिलते हैं एक पेज पे। प्लस वहां पे तुम लोगों ने एक और चीज में ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने इस ट्रेलर को कवर किया अपने हिसाब से, बट किसी ने भी एक चीज की बात की ही नहीं। मैंने बहुतों का वीडियो देखा, बट यार सच बता रहा हूँ, किसी ने भी उस चीज को लेके बातचीत नहीं की। वो जैपनीज वॉइस जिस तरह से उस ट्रेलर में यार कहता है ना, उस जैपनीज वॉइस को इंग्लिश में अगर हम लोग ट्रांसलेट करें, विल हर वॉइस ब्रिंग फोर्थ इटर्नल हैप्पीनेस और एंडलेस इम्प्रिजनमेंट, ये इंग्लिश सबटाइटल है उस जैपनीज वॉइस का। लेकिन अगर हम लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, तो ये निकलता है, क्या उसकी आवाज अनंत सुख या अंतहीन कारावास लाएगी, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें एक और चीज साफ साफ मालूम पड़ जाता है कि वो फीमेल कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और उसका वॉइस का भी कुछ लफड़ा है। देखो यार, फाइनली मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये मूवी मेन स्टोरी लाइन से बिलोंग करेगी या नहीं करेगी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटीज की बात जरूर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ये मूवी कैनन होगी या नॉन कैनन होगी।
जिन लोगों को कैनन और नॉन कैनन का मतलब नहीं पता, जानकारी के लिए बता दो, नॉन कैनन मतलब होता है वो मूवीज जो मेन स्टोरी लाइन से बिलोंग नहीं करती है, जैसे कि वन पीस की बाकी की मूवीज हैं। अगर वो मूवी नॉन कैनन निकलती है तो यार उस फीमेल कैरेक्टर का फिर ना मेन स्टोरी लाइन से बिलोंग ही नहीं करेगा। प्लस अगर वहां पर हमें फैंक्स की बैक स्टोरी दिखाई भी जाती है, कोई मतलब नहीं बनेगा, चाहे वो सही हो फेक हो, क्योंकि यार वो एक मूवी रहेगा और वो भी नॉन कैनन मूवी रहेगा। फिर मेरे भाई उस मूवी को देखने का मतलब सिर्फ एक ही चीज रह जाएगा, फैंक्स हमें एक्शन में दिखेगा। बट अगर ये मूवी कैनन निकलती है जो भी होगा देखा जाएगा। मैं यहाँ पर अंधेरे में तीर चलाने वाला हूँ, मेरी बात अब तुम ध्यान से सुनो। मांगा रीडर्स चैप्टर नंबर 956 का पेज नंबर 11 खोलो और एपिसोड वॉचर जो एनिमे देखते हैं 957 में आओ। वहाँ ब्लैक बियर्ड कोई चीज लेने की बात करता है इससे पहले कि मरीन्स उसे ले ले। यहाँ पर हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड उस लड़की की बात कर रहा हो जो इस मूवी के ट्रेलर में दिखाई गई हो और उसे रोकने के लिए सैंक्स आए। प्लस देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना, सैंक्स एक योंको है और वो वन पीस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक में आता है, और अगर वो इस मूवी में मेन कैरेक्टर होने वाला है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मूवी में कहीं और की स्टोरी दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं उनका डाउट क्लियर करना चाहूंगा। देखो पास्ट की स्टोरी मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, फ्यूचर की स्टोरी लाइन हो उस पे मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर से ये मूवी अगर कैनन निकली तभी, नॉन कैनन है तो कोई चांस नहीं बनता। एक और चीज, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तो ये एनिमेशन कोई फिलर एपिसोड बना देगा इस स्टोरी से रिलेटेड प्रमोशन के लिए, जैसा कि वो बाकी मूवीज के साथ कर चुके हैं, जैसे वन पीस मूवी गोल्ड या फिर वन पीस मूवी स्टैम्पेड के साथ हुआ था, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान दो। वन पीस मूवी गोल्ड आई थी ड्रेस रोजा आर्क के बाद, उसका फिलर एपिसोड भी उसी के बाद ही देखने को मिलता है मूवी को प्रमोशन करने के लिए। और स्टैम्पेड आई थी होल केक आइलैंड के बाद, और अभी क्या चल रहा, वानो हरकी ओनिगासिमा वॉर, एनिमे में अभी 2 साल बाकी है, प्लस मांगा में शायद अभी और 1 साल चल जाए। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यार ये वर्क अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से मैं एक मांगा रीडर हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि ये मूवी का अगर तो एनिमेशन फिलर बनाना चाहे वो बहुत ही ज्यादा बचकाना हो जाएगा, क्योंकि यार मूवी को प्रमोशन करने के लिए उसको कहीं ना कहीं से बीच से काटना पड़ेगा। और लूफी कहाँ पर फाइट कर रहा है तुम देख रहे हो, तो लूफी का तो कोई सीन नहीं बनता। प्लस सैंक्स को लेकर के अगर वो लोग फिलर एपिसोड बनाते भी हैं, हम मांगा रीडर्स को अच्छे से पता है कि कहाँ से स्टोरी चल रही है, और यहाँ पर कोई सीन ही नहीं बनता क्योंकि मांगा में सैंक्स दिखा ही नहीं है, तो किस हिसाब से वो लोग जो सैंक्स का फिलर एपिसोड बनाएंगे उस मूवी का प्रमोशन के लिए। और अगर वो लोग ये चीज दिखा देते हैं ना भाई, तो फिर मैं 100% श्योर हो जाऊंगा कि ये मूवी नॉन कैनन है। खैर एट द एंड में तो एनिमेशन का ही मर्जी है, जो भी चलेगा, अब मैं उसमें कोई बातें नहीं करना चाहूंगा। फाइनल बात करते हैं कि आखिर यह मूवी इंडिया में रिलीज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। मेरे भाई सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान देना, यहाँ पर मैं अंदाजा लगाने वाला हूँ कि ये मूवी रिलीज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से ये मूवी इंडिया में अब जापान में रिलीज होगी उसके तुरंत बाद, जैसे टेंकिनो को आई थी, उस हिसाब से तो मेरे लिए चांस ही नहीं बनता। अभी 1-1.5 साल बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैं तुम्हारा पॉइंट क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। आज से कुछ दिन पहले विक्सर ने अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला था ये मूवी इंडिया में रिलीज होनी चाहिए, प्लस वहां पर टैग किया था एनिमेटियम टॉक्स ऐसे ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स को। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, विक्सर ने वन पीस देख रखा है मुझे मालूम है, DHX ने भी देख रखा है ये बात मुझे भी मालूम है, एनिमेटियम ने देखा है कि नहीं देखा है मुझे नहीं मालूम है, और मुझे ठीक से नहीं पता कि उन लोगों ने देखा है नहीं देखा है, और मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। मुझे जहां तक लगता है सबने नहीं देखा क्योंकि उनकी टीम बहुत बड़ी है। खैर मेरा भाई मैं मेन पॉइंट पे आना चाहूंगा, कल को अगर बोरूटो की कोई मूवी आती है ना, तो बोरूटो का फैन बेस इतना है कि वो लोग अगर पेटिशन साइन करके उस मूवी को रिलीज करवा सकते हैं। ड्रैगन बॉल के साथ भी यही सीन होता है, ड्रैगन बॉल की जो नई मूवी आ रही है उसके लिए अगर उनको पेटिशन साइन करना पड़े ना भाई, लाखों में जाएंगे, 2 लाख 3 लाख भी पहुंच सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि विक्सर के सब्सक्राइबर से ही पता चलता है 4 लाख सब्सक्राइबर है। या फिर कोई और मूवी आती है मकोतो सेनकाई की, तो भी उनकी ऑडियंस इतनी ज्यादा है ना कि भाई पेटिशन भर के साइन हो गए। लेकिन वन पीस के साथ ऐसा सीन नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो इंडिया में बहुत कम लोगों ने वन पीस देखा है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार वन पीस का फैन बेस है लगभग 1 लाख के करीब तो होगा ही होगा, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा वन पीस का यूट्यूबर कौन है,
अगर हम लोग सब्सक्राइबर के हिसाब से जाए ना तो वहां पर नाम आता है एनिमे इंडिया टीएम का 19.6 के सब्सक्राइबर है। यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा भाई के लगभग 20,000 के आसपास ऑडियंस है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, इनका जो 20,000 का जो लगभग ऑडियंस है ना उनमें वन पीस टोटल 20,000 का ऑडियंस है ही नहीं। वहीं सेकंड जो हमारे बिगेस्ट वन पीस यूट्यूबर है RS प्ले सुपर, उनके साथ भी यही सीन होता है। पहले ये मार्वल और DC पे वीडियो बनाते थे, करीब 8-9 हजार तो उन्हीं का ऑडियंस है। उसके बाद कुछ न्यूज वगैरह कवर किया, ब्लीच पे भी वीडियो बना, 2-3 हजार उधर चल जाते हैं। काट छांट के निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि यार किसी यूट्यूबर का ऐसे निकालना भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इनका प्रॉपर वन पीस का ऑडियंस नहीं, ये बात साफ साफ पता चलता है। इसी वजह से अगर हम लोग प्रॉपर किसी यूट्यूबर की बात करें जिनके सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा और वन पीस पे ही वीडियो बनाता लौंडा, तो वो आता है एमी एक्सप्लेनर। इसके सारे वीडियोस ना वन पीस पे, ये बंदा वन पीस के एपिसोड को एक्सप्लेन करता है सिंपली। 5,500 ऑडियंस कहीं नहीं गए, लगभग 6,000 अभी भी इनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसी वजह से हम लोग जो 6,000 ऑडियंस तो हम लोग पकड़ेंगे वन पीस के। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा मांगा रीडर्स की, क्योंकि यार एनिमे एपिसोड जो लोग देख रहे हैं अगर मांगा पढ़ना शुरू कर देना वो लोग यार एनिमे का एपिसोड एक्सप्लेन नहीं देखेंगे। इसी वजह से मांगा रीडर्स का तो अलग है फैन बेस होगा, तो इस वजह से मैं मांगा रीडर्स की तरफ बढ़ना चाहूंगा। और अभी के टाइम पे किसी बंदे का अगर मांगा चैप्टर रिव्यू पे सबसे ज्यादा व्यूज आता है ना, वो आता है RS प्ले सुपर का। उससे नीचे इस बंदे का आता है, इसका नाम बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं नहीं ले पाऊंगा, और उसका नीचे आता है एनिमे लवर का। पर यहाँ पर सबसे ऊपर वाले की बात करेंगे RS प्ले सुपर का, इसके लगभग 4,000 के आसपास व्यूज चल जाते हैं मांगा चैप्टर रिव्यू पे, चाहे वो पहले लाए या फिर लेट आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी ऑडियंस बनी हुई है मांगा चैप्टर के रिव्यू पे। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग चले तो एक बंदा अगर डबल क्लिक भी करता है ना किसी वीडियो पे, फिर भी यार इसकी ऑडियंस लगभग ना 2-3 हजार के आसपास की है। मैं यहाँ पर 2,000 लेना चाहूंगा क्योंकि एक बंदा डबल क्लिक भी कर सकता है, और ऊपर से मैं व्यूज के हिसाब से इनको ले रहा हूँ क्योंकि यार इनके सब्सक्राइबर्स का पता नहीं चलता है, इसकी ऑडियंस जो थोड़ी बटी हुई है। एमी एक्सप्लेनर 6,000, RS प्ले सुपर के 2,000, कितने हुए 8,000। अब मैं ऐसे बंदे की बात करना चाहूंगा जो ना मांगा चैप्टर के रिव्यू करता है ना एपिसोड एक्सप्लेन करता है, पर भाई बंदे के ना ऑडियंस बहुत जबरदस्त है। हाँ मैं बात कर रहा हूँ रूफी कुन के, हमारे रूफाई कुन की, और इनके जो 3,000 ऑडियंस कहीं नहीं गए, कितने हो गए 11,000 के आसपास ऑडियंस हो गए। ऊपर से हमारे सब्सक्राइबर अभी भी बढ़ रहे हैं, इनके भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसी हिसाब से अगर हम लोग चलो निकाल भी ले इसको हम लोग डबल कर देते हैं, चलो 25,000 लगभग तो हो ही जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग देखने जाएंगे नहीं, और आज से लगभग 1-1.5 साल तो लगे जाएंगे इसके फैन बेस को डबल करने में, और ऐसे ही करके लगभग 2 साल अभी वेट करो तब जाकर के इंडिया में फैन बेस कुछ तगड़ा होगा वन पीस का। और मैं क्यों कहता हूँ हर बार कि वन पीस का लाइव एक्शन मूवी अच्छा होना चाहिए, इसी वजह से कहता हूँ, क्योंकि तुम किसी भी बंदे को अगर तुम बोलोगे ना जाकर के भाई वन पीस देख, चलो तुम 10 लॉन्डो को जाके कहते हो भाई वन पीस देख अच्छा है एनिमे, कुछ लोग बोलेंगे कितने एपिसोड है, सबसे पहली बात सब कोई यही पूछता है, तुम बोलोगे 1,000 एपिसोड है, भाई 5 तो वहीं से खल्टी ले लेंगे। उनमें से बचे हुए 5 लोग अगर एपिसोड देखना स्टार्ट भी करेंगे ना भाई, कहता हूँ उनमें से 4 तो यूं ही छोड़ के भाग जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग के एनिमेशन ही ऐसा है। प्लस उनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी निकलेंगे जो लोग अपना वॉचिंग लिस्ट में डाल देंगे और शायद कभी नहीं देखने वाले। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ इंडिया में वन पीस मूवी रेड फिलहाल के टाइम पे आ पाना नामुमकिन के आसपास है। कुछ लोग बोलेंगे यार ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली भी तो नामुमकिन के आसपास थी, टैंकी नोको भी तो नामुमकिन के आसपास थी, पर एंड में आई ना। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा ड्रैगन बॉल का पहले फैन बेस था, बस उन्हें जगाना था। बात करो टैंकी नोको के साथ, भाई योर नेम दिखा दो ना बंदा फैन हो जाएगा, उसी डायरेक्टर ने बनाई है जाके चल जाएगा। 1.5 घंटे की मूवी किसी को भी तुम दिखा सकते हो, 1.5-2 घंटे की है शायद, लेकिन अगर तुम जाकर के किसी को 1,000 एपिसोड दिखाओ भाई वो नामुमकिन के आसपास का काम है। 0.0001% भी बहुत मुश्किल से लगता है कि ये मूवी इंडिया में रिलीज हो पाएगी, खासकर तो 1 साल के अंदर। ऊपर से मेरे भाई मेरे को जहां तक लगता है बहुत सारे यूट्यूबर जिनके सब्सक्राइबर लाख के आसपास है पर उन्होंने वन पीस शायद देखा ही नहीं होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुना है कि बट वो एनिमे नहीं देखना, ये नहीं करना, बहुत सारे एपिसोड है, पता नहीं कैसे बना देते इतने सारे एपिसोड, अबे देखोगे तब ना पता चलेगा। यार यही हाल है यार हमारे इंडिया में कि बहुत सारे एनिमे यूट्यूबर्स ने वन पीस देखा नहीं है, तो कहाँ से इंडिया में फैन बेस बनेगा वन पीस का। मैं यहाँ पर किसी को हेट नहीं फैलाना चाहता, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो इसी वजह से यार वन पीस का भी आने में बहुत टाइम है और फैन बेस अभी बड़ा होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। खैर आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, निराश होने वाली बात नहीं है, हम लोग ट्राई तो जरूर करेंगे और अगर आएगा तो जरूर देखने जाएंगे।
हम लोग सब साथ में देखेंगे। खैर, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन ऑन करो। मिलेंगे कभी और नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।